महा सती सीता चरित्र आधारित पुस्तक तमाच, लेखन वर्धमान तपोनिधि आचार्य देव श्रीमद विजय भुवन भानु सुरीश्वरजी महाराजा। स्नेही स्वजन पर गाढ़ ममता कर करके देव गुरु संघ साधर्मिक पर की ममता और स्नेह को खो देना, यह कितनी बड़ी मूर्खता और मूढ़ता है। यहां देव गुरु संघ साधर्मी की रखी हुई अटूट ममता और श्रद्धा परभव में भी देव गुरु संघ साधर्मी की निश्चित ही प्राप्ति करवाती है। अब जरा सोचो कि यह मिलना निश्चित हुआ, अर्थात क्या निश्चित हुआ? मनुष्य भाव निश्चित हुआ। यदि देव भाव मिला तो भी वहां देवाधिदेव साधु संत आदि की भक्ति करने की सुलभता होगी और उसके पश्चात पुनः मानव अवतार मिलेगा। उस मानव अवतार में फिर देव गुरु संघ साधर्मिक की प्राप्ति भी सुलभ होगी। इसलिए इस संसार रूपी जंगल में स्नेही स्वजन को खोने की और उनकी खबर या उनका पता तक ना मिल पाने का ख्याल रखकर उन पर से ममता कम करके देवाधिदेव साधु महात्मा संघ और साधर्मिक के प्रति ममता जगानी चाहिए। देव गुरु संघ पर ममता जगाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, यह ममता वास्तव में किस प्रकार जगाई जा सकती है? जैसे हमारे प्रिय स्वजनों के प्रति हमारी ममता उमड़ती है, उसी प्रकार देव गुरु संघ और साधर्मिकों पर भी बरसनी चाहिए। जैसे पत्नी पुत्र पुत्री आदि और साले बहनोई जमाई भाणेजादी रिश्तेदार पर समय और संपत्ति लुटाना कम करके देवाधिदेव साधु साध्वी श्रावक श्राविका पर पूरा समय और संपत्ति लुटा दे, उनकी सेवा में जुड़ जाए, तो उन पर वास्तव में ममता जागृत होगी। इसके बिना तो ममता सिर्फ कहने के लिए शब्दों रूपी ममता होगी, सच्ची ममता नहीं। करी सके ना कोई तारा गुणों ना सरवाला, युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अचवाड़ा।